तो ये जना अब हुररा रजी अल्लाह तुरी हैं फरमाते हैं रसूल अक्रम सदमत में गर्म खाना लाया गया तो रसूल अक्रमली सल्लम ने उसको तनाउल फ़रमाया जब फारग हुए तो फ़रमायादिल्ला का शिक्र अदा किया आगे फरमाए माँ दा खला बतनी तमन सुख नन जुक़ा वक़ा सरकार ने फरमाया कई दिन गुजर गए गरम खाना इस पेट में उतरा ही नहीं, खुश्क सूखा ठंडा ही मिलता था पर मैं आज कई दिनों के बाद मैंने गरम खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और हम सुबह शाम बल्कि तीन टाइम गरम खाने ताज़े तरीन खाने खाते हैं आखिर पे शुक्राने की दुआ भूल ही जाती है नबी अकरम को कई दिनों के बाद खाना मिला आपको शुक्राना ना भूला उसका मतलब है अल्लाह की नेमत खाकर शुक्राना अदा करना चाहिए ये जो खाना खाने की दुआएं होती हैं ये शुक्राने की दुआएं खाना खाने से पहले दुआ की जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिसमिल्ल व अला बरकतल या दुआ पढ़ी जाती बसमिल्लिलाफिल्फ़् वसमिम ये वो खूबसूरत दुआएं हैं ये जो बड़ी दुआ मैंने पढ़ी है इसका मतलब है या अल्लाह तेरे नाम पे खाना मिला है मैं इसको खाना चाहता हूँ इसमें अगर कोई नुकसान हैं तो उनको दूर कर दे जो नफ़े हैं वो नसीब करें तो अल्लाह उस खाने का नुकसान ख़त्म कर देता है उसमें बीमारी है को कमज़ोरी है कोई भी मसला है ख़त्म हो जाता है वो तो सारे का सारा खाना पकदा हो जाता है इंसान के लिए नफामंद हो जाता है बरकत की दुआ करें तो अल्लाह ताला उस तज् में अगर कहीं कमी कोताही है उसको ख़त्म कर देता सारा रित्क बा बरकत कर देता और अल्लाह के नाम में बरकत जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद दुआ पढ़ते हैं। ला लगी अत अमाना वसक़ाना वजाअ ना मिन शुक्र है उस का, जिसने खाना भी दिया पीना भी दिया उस अल्लाह का अल्ला शुक्र अदा करना रसूल करम सल्ला कई दिनों के बाद थोड़ा सा गर्म खाना खाया तो आप दुआ नहीं भूलें आप शुक्राना नहीं भूलें हम हर वक्त अच्छी नियमते ताज़ा तरीन खाने और अपनी मर्जी के खाने खा के पेट भर के फिर भी भूल जाते हैं उसका मतलब है शुक्राना नहीं भूलना चाहिए अगर नहीं भूलेंगे तो ये नमते ऐसे चलती रहेगी बढ़ती रहेगी शुक्राना भूल गए तो ये नियमते कम होती है जनाब अबू मामा रजी अल्लाह तुस्से रिवायत फरमाते हैं नबी अक्रम सल्ला वसम ने फरमाया अरदा अलया रबी यज अली बतहा मक्का तहबन अल्लाह पाक ने एक दिन आर्डर किया फरमा महबूब आपके लिए च्वाइस है अगर आप चाहें तो वादी बतहा मक्के की सारी वादी आपके लिए सोना बना देता ये जो संगरेज़े और ये पत्थर आपको नजर आते कोई पत्थर नहीं होगा आप जिसको हाथ लगाएंगे वो सोना होगा जाके बाजार बेचें और मोज गए जो चाहें खाएँ पिएँ और होगा तो नबी अकर सल्लम ने क्या जवाब दिया फरम देते कुल तो्ला मैंने या ला ने तो क्या करने है? या रब वन अश बो यौमन व अजू ओ यौमा अल्लाह मुझे इतना रिस्क दे दे एक दिन पेट भर के खा लूं और एक दिन भूखा बस मुझे ये पसंद है ये गुर्बत की जिंदगी ये तंगदस्ती की जिंदगी कभी भूखा कभी सैर बस ये कैफियत मुझे बड़ी पसंद है मौला मुझे ये दे दे ये जुमला सरकार ने तीन बार कहा इतनी बड़ी ऑफर हो कि पूरी की पूरी वादी पूरे पहाड़ सोने के बना कर दे देता हूँ महबूब जैसे चाहे जो चाहे इसको इस्तेमाल करें पर मैं नहीं मुझे वो जिंदगी नहीं पसंद जो शहाना जिंदगी नहीं पसंद मुझे तो सादी जिंदगी पसंद ये गरीबों पर एहसान है वरना सरकार अमीरी को पसंद करते तो गरीब सारी जिंदगी रोते मर जाते सरकार ने गुर्बत को पसंद किया तंगदस्ती को पसंद किया आज भी गरीब को सुकून है वो सुकून अमीर को नहीं है जो गरीब को सो गरीब सोता बड़ी मुश्किल था गिनते गिनते नींद नहीं पड़ती अमीर गरीब आदमी आता है मजदूरी करके ऐसा रात को सोया बड़े सुकून से सोया अमीर गोलियां खा के सोते हैं गरीब को गोलियों को पता ही नहीं होता बस चार मिलने की देर है नींद आ जाती आज भी गरीब को सुकून है क्यों इसलिए गुर्बत में मुस्तफा को सुकून था आपने पसंद किया इस जिंदगी तो मौला मुझे इतना खजाने नहीं चाहिए सोना चांदी नहीं चाहिए मुझे एक दिन का खाना और एक दिन की भूख चाहिए वजह और मैं इसलिए वह जुक तो दर्र तोर तो अल्लाह जब मैं भूखा रहूंगा तो तेरी बारगाह में आजदी और जारी करूँगा सजदे करूँगा तुझे याद करूंगा वैदा शब तो शकर तो का वामिद तो का मौला जब पेट भर जाएगा उस दिन तेरा शुक्राना अदा करूंगा तेरी हमद करूंगा तेरी तारीफें करूँगा इसका मतलब है अगर रिजक की वसअत हो तो शुक्र अदा करना चाहिए रिज्क की कमी हो तो रब को कसरत से याद करना चाहिए आप अंदाज़ा लगा ले अपनी जिंदगी फितरी जिंदगी को हम देखें तो जब सुख हो तो वो भूल जाता है जब दुख हो तो बड़ा याद आता है फिर लोग रो रो के दुआएं करते हैं गिड़ गिड़ा के दुआएं थोड़ी सी मुसीबत आए क्या ख्याल है पूरी फैमिली हाथ में तस्वीर नहीं पकड़ी होती थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो क्या सजदे नहीं कर रहे होते बच्चे भी नमाज पढ़ रहे हैं बड़े भी नमाज पढ़ रहे हैं वजीफे पढ़ रहे हैं जिक्र कर रहे हैं न जाने सदके कर रहे हैं क्या कुछ नहीं करते जब भूख सताती है तो इंसान को वो याद आता है जब वो उस बंदे की अल्तजा पे वो दे देता है तो बंदा फिर भूल जाता है हालांकि उसूल ये है सरकार तो ने अर्ज की मौला मुझे एक दिन भूखा रख एक दिन पेट भर के दे जब भूखा रहूँगा तो आज ही करूँगा तेरी बारगाह में सजदे करूँगा गिड़ गिड़ाऊँगा रोऊंगा तुझे बड़ा याद करूंगा दर्द दिल से याद करूँगा मौला जब पेट भर के सैरों के खाया फिर तेरा शुक्राना अदा करूंगा तेरी हमद करूँगा तेरी ये फितरत होनी चाहिए यह फितरत भी है ये दीन भी है ये रसूल सल्लम की तरबियत भी है आपका पसंद भी है लिहाजा नबी अक्रम सल्लम का पसंदीदा तरीका ही अपनाना चाहिए दो दी से खुलासा सुना देता हूँ अब्दुलरहमान बिन औ फरमाते हैं रसूल अक्रम सम एक दिन जब दुनिया छोड़ के आप गए तो उस वक्त क्या हालत लती फरमाते हैं लम यश बा हुआ वाला आहलू मिन खुब्ज शईर जब सरकार का विशाल हुआ उस दिन तक कमली वाले और आपके अहल खाना ने पेट भर के खाना नहीं आपकी वफात भी भूख की हालत में हुई आपके घर में भी उस वक्त कुछ भी नहीं था इस हाल में दुनिया से हो सकता हूँ उमलोम जनाबी का खुद फरमाती आप फरमाते माकान जब का अला मादत रसूल इन खुब्ज शलीर वहा अशदीका फरमाते रसूल्ला का जब दस्तरखान लगता आप खाना खाने के लिए बैठते तो कभी कोई थोड़ा या ज्यादा कभी खाना बच गया हो कभी याद ही नहीं है इसका मतलब है जब भूख ही नहीं मिटती थी खाना इतना कम होता था तो बचता कहां से इतना कम खाना दस्तर खा पे होता अभी भूख बाकी होती खाना खत्म हो जाता कभी जिंदगी में बचा ही नहीं हम अपने घरों में जाकर देखें रोजाना कितने टुकड़े बचते कितनी रोटियां दाय करते आटा कितने हफ्ते में कितनी बार खराब हो जाता वो तो अमरुदाना टुकड़े बेचने वाले लोग और हमारे घर में सालन दो दो बचे पड़े हैं रोटियां अलग पड़ी हैं ये जी पकी पकाई रोटी बचे ने नहीं खाई जी ठीक है जाय हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी जिंदगी दस्तर खां पे टुकड़ा रोटी का नहीं बचा क्यों इसलिए कोई इतनी थी नहीं मुफ्त सा खाना और वो भी वन डिश आप तो नावल फरमाते हैं, ऐसा का फरमाते मैंने तो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के दस्तर खां पर टुकड़ा ही बचा हुआ नहीं देखा लेकिन फिर भी शुक्राने की जिंदगी फिर भी हम तो किस जिंदगी फिर भी रब को याद की जिंदगी कभी नहीं भूले और हम सारी नेमतें खा गए फिर भी भूल गए हमें नमाज तक नसीब नहीं है इसलिए रब का हर हाल में शुक्र अदा करना अगर रब दे दे तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए रब ना दे तो फिर भी रब की याद करनी चाहिए रब को भूलना नहीं चाहिए उस